जैक मा एक चाइनीज बिलियनर और अलीबाबा के फाउंडर। जब जनवरी 2021 में इनका नाम हेडलाइन में आने लगा तो लोग क्यूरियस हो गए। कहा गया कि अक्टूबर 2020 के बाद से ये मिल नहीं रहे। ये एक रियलिटी टीवी शो में जज थे जहां पर इन्हें रिप्लेस कर दिया गया। जब बात बढ़ी तो चाइनीज प्रोपेगेंडा पोर्टल ने इनका एक वीडियो रिलीज करा जहां पर ये कुछ चाइनीज भाषा में बोल रहे हैं, मगर वीडियो में थोड़ा असहज दिख रहे थे। इससे लोगों के मन में शंका पैदा हुई और उसके साथ साथ दूसरी तरफ चाइना जैक मा से जुड़े हुए हर एक बिजनेस पर अटैक करने लगा। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों चाइना अचानक से जैक मा का इतना विरोधी हो गया और उन्हें खत्म करने पर तुला हुआ है। The Chinese government cracking down on big tech companies. Time of increasing scrutiny of Chinese e-commerce giant Alibaba. Alibaba's founder Jack Ma has made a powerful enemy. सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर जैक मा है कौन। जैक मा एक चाइनीज बिलियनर हैं और उन्होंने सबसे बड़े रिटेल जायंट अलीबाबा को फाउंड करा था। इसके अलावा उन्होंने कई सारी इंटरनेट कंपनीज चाइना के अंदर फाउंड करी हैं, जैसे कि बहुत पहले जब येलो पेजेस चलता था तो उससे इंस्पायर होकर उन्होंने चाइनीज पेजेस शुरू करा था। वो सफल नहीं हुआ, बट अलीबाबा सफल हो गई और बहुत बड़ी रिटेल जायंट के रूप में उभरी। अलीबाबा का आईपीओ पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट आईपीओ बना। जैक मा एंटरप्रेन्योर हैं, बिलियनर हैं और रियलिटी टीवी शो में भी आते हैं। और चाइना से बाहर भी अगर आप देखें तो सबसे पॉपुलर चाइनीज इंसान का नाम जब आता है तो लोग जैक मा का नाम ही लेते हैं। इन सब के साथ साथ जैक मा अपनी चाइनीज सरकार के ओपन क्रिटिक भी रहे हैं। समय समय पर अपनी पब्लिक अपीयरेंस से उन्होंने चाइना की कई सारी पॉलिसीज को ओपनली क्रिटिसाइज करा है, जो बात चाइना की सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आती। आपको याद है मैंने बताया था अक्टूबर 2020 से जैक मा गायब हो गए थे, उसके पीछे भी एक रीजन बताई जा रही है इनकी खुद की स्पीच। एक पब्लिक अपीयरेंस में जैक मा ने चाइना के तमाम सारे रेगुलेशन पर ओपन क्रिटिसिज्म करा था और उसके बाद से वो पब्लिक अपीयरेंस में नहीं दिखाई दिए। जब ये अचानक से गायब हुए तो लोगों ने कहा कि चाइना में डिक्टेटोरियल नेचर की सरकार है और वो बिजनेसमैन को लाइन पर लगाने के लिए अलग अलग तरकीबें अपनाते हैं। मे बी उन्होंने एक टैक्टिक यूज करी है इन्हें लाइन पर लगाने के लिए। इसी तरह की चीजें आप रशिया में पुतिन के द्वारा भी देख सकते हैं, वो भी बिलियनियर्स और बिजनेसमैन को कंट्रोल करके रखते हैं। मगर इनकी डिसअपीयरेंस के बाद से चाइनीज गवर्नमेंट जैक मा और उनकी कंपनीज के साथ जिस तरह से पेश आ रही है वो देखकर ये नहीं लगता कि वो जैक मा को लाइन पर लगाना चाहते हैं, वो देखकर ये लगता है कि वो जैक मा को रास्ते से हटाना चाहते हैं। दरअसल जैक मा का इन्फ्लुएंस चीन के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इतना ज्यादा कि जब फॉरेन लीडर्स कोई चीन की विजिट पर आते हैं तो वो जैक मा के साथ पब्लिक अपीयरेंस करते हैं और ये बात शी जिनपिंग को बिल्कुल पसंद नहीं है और इसके ऊपर जैक मा शी जिनपिंग के ओपन क्रिटिक हैं। तो इन्हीं सब के बाद चीन की सरकार जैक मा की कंपनीज पर इस तरह से लगाम लगा रही है कि उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। एंट ग्रुप जो कि जैक मा ने फाउंड करी थी कंपनी, उसका एक आईपीओ होना था जो कि नवंबर में शेड्यूल था, मगर उसे डिले कर दिया गया। बताया गया कि एंट ग्रुप के अंडर चलने वाले अलीपे जो कि चाइना के अंदर सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन का पोर्टल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और चाइना के सेंट्रल बैंक ने कहा कि एंट ग्रुप को अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना होगा। फाइनली जाकर उन्होंने आईपीओ की परमिशन दी है, मगर अब एंट ग्रुप का ये आईपीओ 60% वैल्यूएशन पर होगा। जब ये आईपीओ नवंबर में शेड्यूल था तो बताया गया था ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाला आईपीओ हो सकता है। चीन की सरकार और उसके सेंट्रल बैंक ने एंट ग्रुप पर इस तरह से परेशानियां और दबाव बढ़ाया कि एंट ग्रुप के सीईओ ने पर्सनल रीजन लिखकर रिजाइन ही कर दिया। जैक मा की दूसरी कंपनी यानी कि रिटेल जायंट अलीबाबा पर भी चीन ने एक बहुत बड़ा फाइन लगाया है। ये $2.8 बिलियन का हिस्टोरिक फाइन है और कहा गया है कि अलीबाबा चूंकि एक मोनोपोली की तरफ बढ़ती जा रही है, उसे अपने कुछ डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, जिसे अलीबाबा ने कहा है कि वो चाइना की सरकार से अग्री करते हुए चेंज भी करेंगे। जैक मा का तीसरा वेंचर यानी कि हुपान यूनिवर्सिटी जो कि 2015 से चल रही थी, उसका नाम अब बदलवाया गया है। कहा गया कि चीन की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कोई एफिलिएशन नहीं दिया तो अब ये अपने आप को यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते, हुपान इनोवेशन सेंटर कहा जा रहा है। जैक मा यहां पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उन्हें भी मई 2021 में इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। हुपान जैक मा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे वो एलीट स्कूल बनाना चाहते थे एंटरप्रेन्योर्स का, और ये चीज चीन की सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और इन सब के अलावा जैक मा की जो पर्सनल वेल्थ है उस पर भी एक बड़ा गहरा आघात लगा है। लास्ट ईयर तक वो चीन के सबसे अमीर आदमी थे और इस साल उनकी वेल्थ आधी हो चुकी है और इसी तरह से उनकी कंपनीज की वैल्यूएशन भी बहुत तेजी से नीचे गिरी है। और इन्हीं सब चीजों को देखकर लगता है कि चीन की सरकार का मकसद उन्हें लाइन पर लाना नहीं बल्कि रास्ते से हटाने का है। इस सब के कंक्लूजन में अगर आप देखें तो जैक मा के साथ जिस तरह से चाइना ट्रीट कर रहा है वो देखकर लगता है कि वो बहुत रूथलेस है और वो अपनों को नहीं छोड़ता तो दूसरों के साथ वो किस तरह से व्यवहार करेगा।
चाइना की कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं और फ्यूचर के लिए बहुत कंसर्निंग है। चाइना के अंदर मुस्लिम्स पर जिस तरह से अत्याचार होता है उस पर कोई मुस्लिम वर्ल्ड का नेता नहीं बोलता। चाइना के अंदर एक पैंडेमिक शुरू हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पॉसिबिलिटी है कि वो लैब में शुरू हुई हो, मगर इस बात को 15 महीने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेंसर कर रहे हैं। देखकर लगता है कि पता नहीं चाइना का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल कितना ज्यादा है उन चीजों पर जिसे हम डेली यूज करते हैं। और इसके अलावा चाइना के पास लिथियम और रेयर अर्थ मटेरियल्स के बड़े बड़े रिसोर्सेस हैं और इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में और इलेक्ट्रिफिकेशन में। जो हमारा फ्यूचर है उस पर भी चाइना का कब्जा है और प्रेजेंट में तो चाइना है ही पूरी दुनिया की फैक्ट्री और उस पर लगते हुए सैंक्शन पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिला कर रख सकते हैं। तो चीन एक तरह से ग्लोबल डोमिनेंस की तरफ कदम बढ़ा रहा है और ग्लोबली कई सारी कंट्रीज को अपने ऊपर पूरी तरह से आश्रित बना चुका है। कुछ लोग उस पर ट्रेड पर आश्रित हैं और कुछ लोगों को डेट ट्रैप में फंसा कर उसने अपने ऊपर आश्रित कर लिया है। इसके अलावा ग्लोबल डोमिनेंस का उसका प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी अपने पैर पसार रहा है और अफ्रीका में भी उसने घुसने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन सबको देखते हुए हमें बहुत सतर्क रहना होगा। हमारे बॉर्डर पर भी चाइना खड़ा है और इसी के लिए चाइना जब भी कोई इस तरह के जुल्म करता है अपने बिलेनियर्स पर या वहां पर मुस्लिम्स पर आसपास के देशों पर तो बाकी सारे देशों को एक सुर में चाइना का अपोज करना होगा। 1960s में कई सारे भारतीय कम्युनिस्ट लीडर भी चीन का राग अलापते थे और उनकी बातों को सपोर्ट करते थे। अभी भी मैं देखता हूँ तमाम सारे कम्युनिस्ट लीडर चीन को क्रिटिसाइज करने से पीछे हटते हैं। हमने पहले तमाम गलतियां करी, हमने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया है, बट आई होप इस तरह की चीजें और इन सारे पैटर्न को देखकर हम समझ गए होंगे और ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। That's it for today's video. I hope you liked it. इसके साथ आप हमारे वीकली न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो और आर्टिकल के लिंक आपको मिलेंगे। आप हमारे वीकली पॉडकास्ट को सुने जहां पर पूरे हफ्ते की हम न्यूज डिस्कस करते हैं और हफ्ते के 3 वीडियोज आपको मिलते ही है। डेली अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और इन सब चीज़ों के साथ साथ आप जुड़िए हमारे पेट्रियन से। वहां पर जुड़कर ना सिर्फ आप हमें डायरेक्टली फीडबैक दे पाएंगे, सजेशन दे पाएंगे, आप इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में हमारी मदद भी कर पाएंगे। तो आपसे वहां पर मिलूंगा, उसके साथ साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।